हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपना MR एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, आप अपना MR एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आज शाम 5 बजे, 28 तारीख, 28 जनवरी शाम 5 बजे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको बता दूँ, सरकारी रिजल्ट में भी आपके शो करने लगा है कि आपका MR का एडमिट कार्ड आ गया। अभी देख सकते हैं यहाँ पर 1056 हुआ है, कितना 1056 हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, आपका आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, वो भी इन मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी विद इन 10 सेकंड। बस आपको करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है, ज्वाइन इंडियन नेवी गूगल पे खोलना है, और गूगल खोल के आपको लिख देना है ज्वाइन इंडियन नेवी। देखिए यहाँ पे आ गया पहले नंबर पे ज्वाइन इंडियन नेवी, सिंपल से इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद क्या करना है, इंडियन नेवी वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा लॉगआउट इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिंग कर रखा है, तो मैं इसे लॉगआउट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका लॉगिंग शो करेगा, कोई नहीं, आप यहाँ पर आप क्या शो करेगा, आपका लॉगिंग शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको देखना है राइट साइड कोने में, यहाँ पे लॉगिंग शो करेगा। तो ये लॉगिंग यहाँ पे भी अब जैसे कि शो कर रहा है, तो यहाँ पे लॉगिंग पे आपको जैसे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ऐसा करते हैं तो अब होगा कि आपके सामने एक नीचे देखे स्क्रॉल करेंगे, जब नीचे ऐसे देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके, तो होगा कि यहाँ पर आपको ईमेल और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल और पासवर्ड फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पे आपको अपना कैफ़े पासवर्ड डालना है। कौन सा पासवर्ड, यहाँ पे आपको कैफ़े पासवर्ड डालना है जो आपको कैफ़े में दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, क्या फिल करना है, कैप्चा। तो यहाँ पे आपको लॉगिंग पे क्लिक कर देना है, तो मैं जैसे कि लॉगिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज अपने पास ओपन हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पर क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा, आपका नेम यहाँ पे शो करेगा वेलकम टू। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप जितने फार्म ऑनलाइन करवाए होंगे वो दिखेगा। यहाँ पे इसने 2 फार्म ऑनलाइन करवाए हैं, एक ऑनलाइन करवाया है डबल ए का और एक करवाया है MR का। तो जो भी आपको एडमिट कार्ड देखना हो SSR डबल ए, तो इसमें आप व्यू पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको MR का देखना हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि MR वाली वेबसाइट ये है और SSR वाली ये है। ये आपका SSR वाले का एप्लीकेशन नंबर और ये आपका MR वाले का एप्लीकेशन नंबर। तो आपको एप्लीकेशन नंबर याद कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, तो मुझे MR का देखना है, तो चलो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो अब आगे एक वेबसाइट ओपन होगी, देख सकते हैं यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्लिक हियर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, तो इस क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है, ये इस पे इस क्लिक हियर में ये। हालांकि आपको इस एप्लीकेशन नंबर को याद करके रखना है, ये आगे आपके काम आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक हियर पे इसमें ओके कर देना है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ऐसा जब आ जाए आपके मोबाइल में, तो तुरंत आपको ये लिखा है योर डिवाइस इज नॉट अलाउड, तो इस पर आपको सीधे सीधे 3 डॉट पे क्लिक करना है जो साइड पे दिख रही है, और यहाँ पे ये डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, इस जो खाना है ना इस पर टिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही टिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर जैसे एक बार इसको रिफ्रेश कर दें ताकि इसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए। अब इसके बाद ये रिफ्रेश हो रहा है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले क्लिक हियर में, इधर आपका क्लिक हियर टू एडमिट कार्ड, इसमें नहीं क्लिक करना है, इसमें क्लिक हियर में, इस क्लिक हियर में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। जब ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा तो इसमें जो पीछे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा था, तो यहाँ से आपको हिंदी चूज कर लेना है, जो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो मैं पीछे बताया था उसे भरना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भरना है, और यहाँ पर आपका जो कैप्चा दिया हुआ है इसे भरना है, इस लॉगिंग पर क्लिक करना है। तो इतना करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ कंप्लीट भर लिया है, यहाँ पे मैंने जो ये कैप्चा नीचे दिया हुआ था इस इमेज पे, इसमें क्लिक कर लिया है। फिर इसके बाद ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी DOB डाल दी है, जो भी DOB थी, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो पीछे दिखा रहा था वो डाल दिया है। इसके बाद अब मैं नीचे इस पर इस लॉगिंग पर क्लिक करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिंग पर क्लिक कर दिया, अब इसके बाद होगा क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है प्रवेश पत्र, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है प्रवेश पत्र, इस प्रवेश पत्र पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे जैसे ही आप फाइनली प्रवेश पत्र पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।